तो चलिए आज अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन के टाइम इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये देखिए आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके जो कॉलेज एंड जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो रिप्रोडक्शन के टाइम में इन्वॉल्व रहते हैं, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए डिटेल के अंदर, या फिर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन पूछ लिया जाएगा कहां से सिक्रेट हुआ है एंड ये किसका पार्ट है एंड इसका फंक्शन क्या है। ये आपको जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी यूजफुल रहने वाली है वीडियो एंड काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए आज अपन सबसे पहला टॉपिक बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, तो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट नंबर का अपना जो हार्मोन है उसकी डिस्कस कर रहे हैं FSH, फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है। तो देखिए ये जो हार्मोन होता है कौन सा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये हार्मोन किसका पार्ट होता है, ये होता है गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है, कौन सा, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। और ये कहां से रिलीज हो रहा है, गोनेड द्वारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है इसका क्या है, एक पार्ट है कौन, फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये सिक्रेट कहां से होता है, ये सिक्रेट होता है जो बेसोफिल सेल्स होती है, कौन सी, जो बेसोफिल सेल्स होती है उनके द्वारा ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। अब इसके रोल की बात करें कि इसका क्या रोल रहेगा रिप्रोडक्शन के टाइम में, क्या रोल रहेगा इसका, ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, मेल में, मेल में इंड्यूस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उसको। एंड जस्ट फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये ओजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उसको क्या करेगा, इंड्यूस करने का, उत्प्रेरित करने का या प्रेरित करने का क्या करता है, वर्क करता है कौन, FSH हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें LH, ल्यूटिनसिंग हार्मोन कौन सा होता है। तो देखिए LH हार्मोन किसका पार्ट है, ये भी क्या है, गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है उसका पार्ट है, किसका पार्ट है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। और ये किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है, ये हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है, ये भी हो रहा है बेसोफिल्स जो सेल्स होती है उनके द्वारा ही ये हार्मोन भी सिक्रेट होता है। इसके रोल की बात करें तो क्या रोल होता है, तो देखिए मेल के अंदर क्या करता है, ये मेल के अंदर इंड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन को, इंड्यूस करेगा वो भी किसके द्वारा, जो लीडिंग सेल्स होगी मतलब टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स होती है उनको इंड्यूस करता है किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए। ठीक ऐसे ही फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या करता है, ये हेल्प करता है ओवुलेशन में, मतलब ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। देन क्या करता है, और ये जो कार्पस ल्यूटीशियम जो सेल्स होती है उनको इंड्यूस करता है क्या बनाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको बनाने के लिए। ठीक ऐसे ही मेल के अंदर क्या करता है, मेल की जो लीडिंग सेल्स होती है टेस्टिस की उसको इंड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए। ठीक ऐसे ही फीमेल में क्या करती है, फीमेल की जो कार्पस ल्यूटीशियम सेल्स होती है उनको इंड्यूस करता है क्या बनाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए। ये वाला हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए, इसमें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम इन्वॉल्व होते हैं। अब इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है ये आप सबको पता है, बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म यहां से मिल जाएंगे, यहां से ओवम वगैरह जो भी अपना होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको इंड्यूस करेगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन किसको करेगा, ओजेनेसिस की प्रोसेस को। इसके बारे में मेरे को पता है आप काफी लिख सकते हैं, इसलिए अपन ने, वैसे स्पेस भी थोड़ा कम था इसलिए मैंने इनका नाम ही लिख दिया है। तो आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन को क्या होता है और प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल होता है, ये सबको पता है। ओके नेक्स्ट बात करें प्रोलेक्टिन हार्मोन की, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन को और क्या बोलते हैं, दो नाम से और जाना जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग नाम से भी पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, वो भी क्या है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है। एक तो लिप्टोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है एंड मेमोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, मेमोट्रोपिक हार्मोन कौन सा होता है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन को ही बोला जाता है इस नाम से, यूटोट्रोपिक हार्मोन एंड मेमोट्रोपिक हार्मोन, दैट्स क्लियर। अब ये सिक्रेट कहां से होता है, ये कहां से सिक्रेट होता है, एसिडोफिल्स जो सेल्स होती है, एसिडोफिल्स जो सेल्स होती है उससे क्या होता है, सिक्रेट होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसके साथ साथ क्या करता है, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड का, जो स्तन ग्रंथियां होती है, मेमोरी ग्लैंड होती है उसके डेवलपमेंट के अंदर भी क्या करता है, ये हेल्प करता है फीमेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जिसको ओटीपी बोलते हैं एंड इसको पिटोसिन हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिए
लिखेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी पीटोसिन हार्मोन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, पीटोसिन हार्मोन होता है। या डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पीटोसिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, वो भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं पीटोसिन हार्मोन, तो ये सिक्रेट कहां से होता है, ये भी सिक्रेट होता है एसिडोफिल्स जो सेल्स होती है उनके द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है। अब इसका रोल की बात करें तो इसके दो रोल है, मेन इंपॉर्टेंट दो रोल्स हैं। फर्स्ट रोल आ जाता है क्विक बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्यों इसका रोल है क्विक बर्थ हार्मोन, अब देखिए ये क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्रेगनेंसी की जो लास्ट स्टेज होती है, फीमेल में जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर जो उसकी जो यूट्रस वॉल होती है, क्या होती है, जो यूट्रस वॉल होती है उसके कॉन्ट्रेक्शन को क्या करता है, उसके संकुचन को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, उसके संकुचन को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, फीमेल में क्या होगा, लेबर पेन हील्ड होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, लेबर पेन उत्पन्न होगा, हील्ड होगा, जिससे क्या होगा, बेबी के बर्थ में क्या रहता है, इजी रहता है। तो याद रखिएगा क्विक बर्थ हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है क्विक मतलब जल्दी, ये हार्मोन क्या करता है, जो फीमेल की जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर जो यूट्रस वॉल होती है उसको क्या करता है, उसके कॉन्ट्रेक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, लेबर पेन इंक्रीज होता है। एंड लेबर पेन इंक्रीज होने से क्या होता है, जो बेबी का बर्थ होता है उसके अंदर क्या मिलती है, हेल्पफुल मिलती है। ओके दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन, इसके ही रोल की बात करते हैं, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ये क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसको क्या कर देता है, नेरो कर देता है, क्या कर देता है, मेमोरी ग्लैंड को नेरो कर देता है, जिससे क्या होता है, मदर द्वारा मिल्क का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, जिसके द्वारा मदर द्वारा क्या किया जाएगा, मिल्क का सिक्रेशन किया जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं HCG ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG ये क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द ओविलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड की जो ओविलाई होती है उसमें क्या करता है, उसके ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब ओविलाई क्या होती है, ये आप सबको पता होगा, जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके अंदर, वहीं से क्या होता है, जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है। तो आप, मैं इसकी पर्टिकुलर भी वीडियो बनाऊंगा, वहां भी आप समझ लीजिएगा, या आप और कहीं भी सर्च कर सकते हैं एक बार जानने के लिए कि ओविलाई होती क्या है। ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की, क्या बात करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है, ये हार्मोन सिक्रेट होता है प्लेसेंटा एंड जो ओवरी होती है, किसके द्वारा, जो प्लेसेंटा एंड जो ओवरी होगी उसके द्वारा ये सिक्रेट होता है। कब होता है ये सिक्रेट होता है, जो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज होती है उस समय क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, नाम से ही वैसे पता चल रहा है रिलैक्स, ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो इसका रोल क्या करता है, ये जो जब फीमेल की डिलीवरी होती है उस समय क्या करता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, डिलीवरी के समय क्या करता है, ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है फीमेल के अंदर। दैट्स क्लियर। आप सबको पता चल गया होगा कि रोल क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। ओके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं, इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपन मिलेंगे जल्दी। थैंक यू।